हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से, यदि वहाँ है विधान परिषद तो। स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो हो जाएगा चीन। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी? तो सैयद अहमद खान ने। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी? सैयद अहमद खान। रणजी ट्रॉफी और आगा खान कप किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी तो हो जाएगी क्रिकेट से, और आगा खान है हॉकी से। नए सृजित उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है, राज्य की प्रावधानिक राजधानी है, वो है देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? देहरादून। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 85। व्हील प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो मोबाइल फोन से। व्हील प्रौद्योगिकी का संबंध है मोबाइल फोन से। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य है तेल और वसीय पदार्थ को निकालना। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य क्या है? तेल और वसीय पदार्थ को निकालना। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो तांबा और जिंक से। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो तांबा और जिंक से। भाप अंगार गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस होती है CO और हाइड्रोजन का। एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होती है? तो 8 के। एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होती है? 8 के। धातु की चाय दानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लकड़ा उष्मा की कुचालक होती है। धातु की चाय दानियों में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लकड़ी उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला क्या होता है, क्यों होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और फोटोग्राफी में कौन से मुख्य रंग होते हैं? तो लाल, नीला और हरा, ये तीन रंग मुख्य होते हैं फोटोग्राफी में। गर्भाशय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यूट्रस का। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है निवेश का उत्पादन के साथ। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया था एडवर्ड चेम्बरलिन के द्वारा। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो वह मिथेन। जो कोयले की खानों में विस्फोट करती है वो है मिथेन गैस। ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नरम लोहा। ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो वह लोहा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो बैंगनी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी। जैसे दोस्तों ये हो गया प्रिज्म, अगर इस पर प्रकाश हम डालते हैं अलग अलग रंगों का, तो बैंगनी रंग जो होता है वो अपने पथ से ऐसे ज़्यादा विचलित हो जाती है। दूसरी होगी, दूसरी तो कम होगी पर ये ज़्यादा अपने पथ से विचलित हो जाती है।
नवोदय विद्यालय का नाम संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। और भारत का कौन सा प्रदेश है जिसके भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा मिजोरम। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के रोगी के लिए होता है, तो गुर्दे रोग के लिए। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के रोगी के लिए होता है, तो गुर्दे रोग का। संयुक्ता पाणिग्रही किस कला से संबंधित है, दंड नृत्य से। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है वह टका। कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है, तो शांति का। कबूतर शांति का संकेत चिन्ह है। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।